दोनों सलूक पाकिस्तान का नहीं भाई, बस एक वो आधी मैं रहा था, मैं आधी मैं रहा, बर्दाश्त नहीं होती ना। क्यों नहीं बर्दाश्त होती? क्या नाम है आपका? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी, नसरीन बीबी किधर से आ रही हैं? भाई कोठियां ना काम करें। कोठियों पे काम करती हैं? जी हाँ। कितने घरों में काम करती हैं? दो घरों का। दो घरों में कितने पैसे मिलते हैं आपको? 5,000। 5,000? जी हाँ। शादीशुदा हैं? जी हाँ। बच्चे? एक बच्चा है, दे मेरे घर दे दो शादियां थी हुई हैं। हाँ। ते घर खर्चा घर दा नहीं मिलता। घर का खर्चा नहीं मिलता? जी हाँ। जूता भी टूटा हुआ है, लास्टक डाली हुई है जूते में, ऐसे ही है। जी हाँ। मियाँ ने दूसरी शादी क्यों की जब एक को जूता नहीं लेके दे सकते? बस गरीब बंदे हैं, नहीं घर का खर्चा पूरा नहीं थी संगता वाले में, गरीब बंदे ना नहीं जी में वक्त गुजरते गुजरते। जो दूसरी बीवी है उसको खर्चा देते हैं? जी हाँ, उसको देने उसको देते हैं। वो छोटी है या आपसे बड़ी है? वो बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हाँ, तो बेटा आपने क्यों की थी शादी फिर? बस अबू को मंजूर हो गए। हाँ, अबू ने ये नहीं देखा कि बंदा पहले शादीशुदा है, बच्चों वाला है? बस हम क्या बोलूँ, गलत किया है ना उन्होंने। अब उतना तो आपको पड़ रहा है, अजाब ने गल पाया ना। हाँ, अजाब गले पड़ गया ना। जी ये देखें, वालदैन ने इस बच्ची की शादी उस बंदे से की है जो पहले से शादीशुदा है, बच्चों वाला है। अब वो उसको खर्चा दे रहा है लेकिन इसको खर्चा नहीं मिलता। देखें आप, जूता टूटा हुआ है, उन्होंने लास्टक डाली हुई है और लोगों के घरों में काम करके अपने एक अदद बच्चे को भी पा रही है और इनकी ज़िंदगी बकाया जो है वो इसी तरह गुजरेगी। मैं यही कहती हूँ कि दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप दोनों को बराबर का हिस्सा नहीं दे सकते, तो आप दूसरी शादी मत करें। दूसरी शादी करके किसी की बेटी को जलील करना, उसको सड़कों पे छोड़ देना गलत बात है। अगर आप कर सकते हैं, दोनों को बराबर आप हक दे सकते हैं, तब आप शादी करें, वरना ना करें। अब ये बेचारी बच्ची की ज़िंदगी तो रुल गई ना, वालदैन ने सर से उतार के फेंक दिया। मियाँ की अब मर्जी है, वो दे या ना दे। अब बड़ी को खर्चा दे रहा, छोटी को नहीं दे रहा। की शादी हो के गई है आपके मियाँ का? एक कमरा है? जी हाँ जी, एक कमरा है। एक कमरा है जी हाँ। मेरे बारू भाई साल गत्ती हुई है ना, मैं उन दचबानी हूँ। आपके लिए खेमा लगाया हुआ है? जी हाँ। अच्छा जी हाँ, मैं बारू भाई गुजरे नहीं होनी। आपकी सर्दी गर्मी बाहर गुजरती है, उसकी एक कमरे में गुजरती जी हाँ। वो ज्यादा अजीब है, किस कदर जालिम है ना वालदैन, ये नहीं देखते, ये नहीं सोचते। कम से कम आप ये तो देखें कि इनका जो घर है, दो कमरे तो हों, एक कमरा इसका हो, एक कमरा उसका। आपका जो मियाँ है वो करता क्या है? वो मजे मेहनत मजदूरी करे ने। मेहनत मजदूरी? जी हाँ, मेहनत मजदूरी करे ने। तो जितनी भी दिहाड़ी लगती है तो वो फिर भाई वो को दें दे खर्चा। हाँ। जब रोटी पकी पे मैं हाँ। काम करते गयो मैं। हाँ। है कात जब पई हो, जब मैं कोठियां तो काम करते गयो मैं, बच्चे पे रखा के दिन आंदा दे, बच्चे को हां ना ला दे सम दिया। हाय, तो वालदैन आते हैं मिलते हैं आपसे? नहीं, उन्होंने मेरे को वजन दिता है, बेचा है ने मेरे अब्बू ने। हां, बेच दिया आपको? जी हां। हाय, मैं भी कहूं कोई वालदैन ऐसे कैसे कर सकता है कि शादी करे बंदे के साथ जो है अपनी बेटी की शादी कर दे। तो उन्होंने बेचा है बेटा, कितने पैसे लिए थे उन्होंने? कोई पता नहीं बाजी। हाँ, अच्छा आपके शोहर के पास इतने पैसे थे कि उन्होंने आपको खरीदा? बस बाजवा जो वाले खुशी चार खड़े वाला हर। हाँ। कोई देखे अब तक क्या बेचते दिता उसने, क्या है क्या नहीं। वालदैन है कहाँ पे? कहाँ पे रहते? ओ, किरोड़ पक्के हैं। करोड़ पक्के हैं, तो आप नहीं जाते फिर कंप्लेन नहीं करते? मैं बाजी, मेरा बेटा भी है उठे के ना, मेरे बेटे को भी नहीं मिलूं दे दे। हाँ। हाँ, मेरा बेटा भी है। आप पहले शादीशुदा थे? जी हाँ, वो मेरे घर ला फोत थी हो यार। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊं। वो फोत थी गए वाले मेरे अब्बू ने मेरे को इत्थे दिता ने इत्थे पाया। एक बेटा था? उठे भी एक बेटा है, वो उठा ही मेरे अब्बू रा को ले। उनसे नहीं मिलने देते? नहीं। हाय, कितनी गलत बात है ना। चलिए कोई नहीं, बड़ा होके खुद ही आ जाएगा आपके पास, आप हिम्मत रखें। वो दूसरी आ रही है फातिमा जी? जी, इसकी भी छोटी सी बच्ची है। आप कहाँ गई थी? आपको देखने। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? चार बच्चे। माशाल्लाह, चार बच्चे हैं आपके। ये क्या लगती हैं आपकी? आपके बाद इनकी शादी हुई है? कैसा हो रहा है गुजारा? किसी गल किसी का लिया है? ये बच्चे किसकी हैं? आपके हैं? ये भी जी। ये भी और ये भी जी। क्या कर रही हो, खेल रही हो गुड़िया? आज मालिक करवाए अपन बार खड़े हैं। मालिक करवा जी? अब जी, किराया देते हो आप? जी अब जी, किराया। कितना किराया देते हो?
بجے تھے میں نے 5000 6000 4000 5000 6000 کرایہ دیا اس کچے کمرے کا جی ہاں اب اس کمرے میں دو فیملی کیسی رہتی ہیں اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے جی ابا جی ساری ایک جگہ تلے ہوندی ہے دو تے اوتے ہوندی ہے میں جگہ تلے آپ کی جگہ تلے ہاں جی چار پائیاں نہیں ہیں نہیں باجی ہیں جی باجی نہیں ہے چار پائیاں نہیں باجی بس ایک ہی ہے چار یہاں پہ کون سوتا ہے اس جگہ میں میں سمجھ آپ سوتی ہیں جی ہاں اور یہ کیا چیز ہے اے بھیا وہ سامان پائے ان مالک کا مالک کا سامان ہے دیکھیں تو کچا کمرہ ہے کانوں والی چھت ڈلی ہوئی ہے نیچے بھی کوئی حال نہیں ہے اور 5000 6000 اس کا کرایہ لے رہے ہیں اللہ ہدایت دے دی ایسے لوگوں کو یہ ان کے چاند برتن ہیں آج گوبھی بن رہی ہے جی ابا ہاں 5 بچے ہیں یعنی کہ 1 بیٹا اس کا ہے 4 بچے اس کے ہیں اور میاں ان کا کرتا ہے دہاڑی مزدوری 1 چارپائی اپنی ہے 1 کسی سے مانگی ہوئی ہے یہ بھی سیٹ کی ہے جی ابا جی آج سیٹ کی اس نے مستری نے اچھا جی یہ بھی مجھے لگتا ہے تازہ تازہ بنایا جی جی ہم بنائے نے اور واش روم بھی آج ہی بنایا جی جی اچھا پہلے واش روم بھی نہیں تھا باجی کیسے بنائے ہاں جوتا تو آپ کا بھی ٹوٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی حالات بدلے بیٹا آپ کے چلو شکر ہے نل کا بن گیا پانی دے رہے ہیں ایسے ہی ہے کب سے خراب ہے یہ کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پہ شفٹ ہوئے آپ کو کل آئے ہیں پہلے آپ بتا رہی تھی نا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے خیمے میں آپ رہتے تھے اور کمرے میں یہ رہتی تھی ایسے ہی ہے یہ دوسری جگہ جہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں جی جی میری بہن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ یہاں دونوں سلوک نہیں بھائی ہاں بس ایک آدھی وہ آدھی میں رہا ہوں تھا میں آدھی میں رہا ہوں اچھا کون وہ نہیں رہنے دیتی باجی آپ کو ہاں جی آپ کیا کہتی ہیں باجی میں بھی میں کہنی ہوں جب میں رہا ہوں جو رہا ہے تو آپ دونوں اکٹھے رہ لیا کریں سلوک اتفاق کے ساتھ بس نہیں رہا اتفاق میں برکت ہے نا نہیں ہاں برداشت نہیں ہوتی نا کیوں نہیں برداشت ہوتی آپ ایسے کیا کریں نا ایک دن کے لیے میاں کو کہیں آپ میرے ساتھ رہیں اور ایک دن کے لیے دوسری باجی کے ساتھ رہیں کیا خیال ہے پھر بھی گزارا نہیں ہوتا نا اچھا تو آپ لڑی بھی ہیں کبھی ہاں جی لگتی بھی ہیں اچھا تو کام خراب ہے فاطمہ جی ہاں جی بیٹا جب آپ کے میاں شادی کر رہے تھے تب آپ نے منع کیا تھا ہاں جی باجی یہ چوری کی تھی انہوں نے سچ سچ بتانا پسند بھی کر دی تھی اچھا پھر آپ نے اجازت دے دی تھی یا بنا اجازت کے کی ہے نہیں پہلے تو اجازت نہیں دیتی اور جو لے کرتے آ گیا ور بھی ٹھیک ہے ور بھی ہن بھی برداشت نہیں دی ہاں ظاہر بات ہے جی چلیں پھر بھی بیٹا دیکھو نا آپ اس کا نصیب ہے بیچاری بیوہ تھی پہلے چلیں آپ کے شوہر نے ان کے ساتھ شادی کر لی اب ان کا بھی شوہر ہے اب آپ کوشش کریں بہنیں بن کے رہیں بے شک یہ بہت مشکل کام ہے بولنے میں آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے یہ سب سے بڑا مشکل کام عورتوں کے لیے یہی ہوتا ہے جو یہ ہماری بہنیں کر رہی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ فرض کریں تو آپ دونوں بہنیں مل کے آدھی آدھی کر کے کھا لیا کریں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا نا کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے لیکن اب ہو گیا ہے تو اب آپ کوشش کریں دونوں بہنیں بن کے رہیں کیا خیال ہے کچھ تو حالات بہتر ہوں گے نا ایسے تو خون جلاتی رہیں گی کھانے کو کچھ نہیں ملتا اوپر سے ایک دوسرے کو آپ گالی گلوچ کریں گے تو گزارا نہیں ہوگا نا ان کے میاں کو خوش نصیب کہیں ہاں جی کہ دو شادیاں ہیں کیا کہنا چاہیے ہاں جی ہاں جی خوش نصیب بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں یہ عورتوں سے پوچھیں نا آپ مردوں کو کہنا آسان لگتا ہے کہ یہ جی فلاں بڑا خوش نصیب ہے اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں وہ ایک ساتھ رہ رہی ہیں ارے بھائی ان سے تو پوچھو جو بیچاری رہ رہی ہیں جو گزارا کر رہی ہیں ان کے پاس جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے دوسری شادی کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شادی کرنا ثواب نہیں گناہ ہے اگر آپ کسی کو اچھے طریقے سے رکھ ہی نہیں پاتے تو فائدہ پھر ایسے شادی کرنے کا اب بڑی بیچاری کا بھی وہ بھی عذاب بھگت رہی ہے وہ کہتی میں بھی عذاب بھگت رہی ہوں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں جب تک آپ کسی کو اچھے سے رکھ نہیں پاتے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اب بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے دونوں بہنوں کا حال آپ کے سامنے ہیں اس بہن کے پاس سونے کے لیے 4 پائی نہیں ہے اس بہن کے 4 بچے ہیں 5 بھی یقودہ 1 چارپائی ہے 1 چارپائی کسی سے مانگی ہے انہوں نے
बकाया ये कमरा आपको दिखाया, इसमें ही रहती हैं और किस कदर मुश्किल इनका गुजारा होता है ये बेचारी हमारी बहनें जानती हैं। अल्लाह पाक इन पे आसानी करे, रहम करे। मैं यही कहूँगी कि प्यारे बच्चे यदि आप आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो ही गुजारा होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अब जो होना था वो तो गया हो, अभी आप दोनों एक दूसरे को बहनें बना के अच्छे से रहें, थोड़ी में सब्र शुक्र के साथ गुजारा करेंगी तो अल्लाह बहुत देगा इंशाल्लाह। ए वाजी में सिराणियां दी बनाई है, गुड़िया नहीं है आपके पास? नहीं, गुड़िया ला के दूंगी मैं अपनी बेटी को, ठीक है? प्यारी की डोल ला के दूंगी, उसके साथ खेलना, सही है? खांसी लगी हुई है, इसकी दवाई नहीं ली आपने? नहीं बाजी, पैसे नहीं है आपका। अब ये आपके लिए आटा है, आप दोनों ने मिलके पका के खाना है, ठीक है? ये नहीं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दोनों मिलके पकाइएगा और उसी में ही बरकत होगी। जाहिर है अब आपके पास और कोई नहीं है ना ऑप्शन के, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हिम्मत दे हमारे भाई को इंसाफ करने की, और अल्लाह ताला ने तो इतना दे, कम अज़ कम अलहदा इनका सेटअप हो, चले ये चूड़ी बनाती रहें और खाती रहें, एक दूसरे से इनका लड़ाई झगड़ा ना हो, अल्लाह करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हाँ जी, एक बोरी जो है एक बाजी की है, दूसरी बोरी जो है वो दूसरी बाजी। हाँ जी, दोनों मिलके पकाएंगे, मिलके खाएंगे। वो कहती है ना हमारी बनती नहीं है। नहीं बनेगी इंशाल्लाह ताला, बनेगी ना अब कोशिश करना मेरा बच्चा बनाने की इंशाल्लाह। अब यही हाल है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी छोटा है वो भी छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये आप दोनों के आधे आधे हैं, ठीक है? इस बच्चे की दवाई लेके आए, आप भी अपना जूता लें और गुड़िया आप भी अपना जूता लो, ठीक है? अपने अपने जूते लें, अच्छा सा खाना बना के बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। इस तरह के जब मैं वाकया देखती हूँ तो यकीन करें मेरा खुद बड़ा दिल खराब होता है कि देखें बेचारी किस कदर मुश्किल में फंसी हुई है। अब ये बहन हमारी पास डेरा थी, इसका है जो कि वालदेन के पास है, वो ये उनसे मिल नहीं सकती, उसका दुख अलहदा है और आगे की ज़िंदगी का जो ये हाल बना हुआ है इसका दुख अलहदा है। तो अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हिम्मत वाली ज़िंदगी दे, कोशिश करेंगे इनके लिए अगर कुछ कर सके तो ज़रूर करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने देखने वाले सभी बहन भाइयों की जिनके तामन से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अल्लाह पाक सबका दिया हुआ कबूल करे, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह ताला। ये राशन और पैसे अब्बास की बेटी अम्बरीन फातिमा की तरफ से हैं, उनका ताल्लुक यूएसए से है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक प्यारी सी बेटी को ढेर सारा अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे प्यारे से भाई हैं यासीन जर्मनी से, ये बिस्तर उनकी तरफ से है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन, ठीक हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकल्लाह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान एकेडमी, वी प्रोवाइड ऑनलाइन होली कुरान क्लासेस थ्रू स्काइप जूम ऑल ओवर द वर्ल्ड, टाइम एंड डे एट योर ओन चॉइस, हाईली क्वालिफाइड मेल एंड फीमेल टीचर्स, अफोर्डेबल मंथली फी। We are teaching 24 hours audio and video summarized lesson on daily basis. Satisfaction on completion of your course. No age limitations. Basic qaida, memorization of Quran, Holy Quran with rules, tajweed, translation and tafsir, namaz, kalimats, dua. 5-day free trial classes. WhatsApp number 92305-699-2192. Skype number 92341-1496-126. Email learnquran787@gmail.com. Skype ID Lareb Online Quran Academy. Visit our website www.larebonlinequranacademy.net or email लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी 777@gmail.com। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी गरीब यतीम और मस्कीन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहता है तो हमसे राब्ता करे।